गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय हिंद। मैं हरेन चौधरी आप सबके लिए लेकर आया हूं एसएससी सीजीएल के नोटिफिकेशन की फुली डिटेल। जैसा कि आपको पता है, कल एसएससी सीजीएल का नोटिफिकेशन आ गया था। सुबह हमारी एग्जाम शाला पर शॉर्ट वीडियो डाल दी गई थी, लेकिन हमने सोचा कि क्यों ना अब आपको पूरी डिटेल बताई जाए, जिसके अंदर क्या आपकी एज होनी चाहिए, क्या आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ये सब कुछ के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो जैसा कि आपको सामने दिखाई दे रहा होगा, एसएससी सीजीएल ने 7500 वैकेंसीज निकाली है। हो सकता है आगे जाकर ये वैकेंसीज कुछ बढ़ भी जाए। चलिए धीरे धीरे हम बात करते हैं कब से फॉर्म भरे जा सकते हैं। चलिए, तो यहां आपको सामने दिखाई दे रहा होगा कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, कि आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से यहां पर फिल कर सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूं कि आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से 3 अप्रैल 2023 से, मींस कल से स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट क्या है? 3 मई 2023। तो 3 अप्रैल 2023 से 3 मई 2023 तक आप ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हैं। बाकी चीजें जानते हैं, लास्ट डेट क्या है आपको? तो लास्ट डेट मैंने आपको बता दी, 3 मई रात 11 बजे तक। उसके बाद बात करते हैं लास्ट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फीस पेमेंट, जो 4 मई। इसके बाद हम बात करते हैं कि लास्ट डेट ऑफ पेमेंट थ्रू चालान, भाई ऑफलाइन चालान या फिर आप चालान ड्यूरिंग वर्किंग आवर ऑफ बैंक, तो 5 मई, ठीक है। इसके बाद कि आपका प्री का जो एग्जाम है, या फिर कभी कभी क्या होता है कि एसएससी के फॉर्म में यदि कोई प्रॉब्लम आपके फॉर्म के अंदर क्रिएट हो जाती है, तो आपको एक फैसिलिटी प्रोवाइड होती है, डेट्स ऑफ विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन, एप्लीकेशन फॉर्म को करेक्ट करने की। तो वो जो डेट है वो है 7 मई से लेकर 8 मई 2023। नेक्स्ट, आपका टेंटेटिव शेड्यूल, कि जो प्री का पेपर होने वाला है, जो टायर वन का पेपर होने वाला है, उसका टेंटेटिव शेड्यूल क्या है? तो उसका टेंटेटिव शेड्यूल है जुलाई 2023 में प्री का एग्जाम होने के पूरे चांसेस है। मेंस की बात करें तो अभी टू बी नोटिफाइड लेटर, टायर टू के लिए अभी उन्होंने ऐसी कोई डेट नोटिफाई की नहीं है। तो ये पूरी डिटेल्स थी यहां पर, कब फॉर्म स्टार्ट हुए हैं, कब फॉर्म एंड होने वाले हैं, प्री का एग्जाम कब होने वाला है। नेक्स्ट पेज पर हम बात करते हैं वैकेंसीज कितनी है। तो फिलहाल जो वैकेंसी है आपके पास वो है 7500, 7500 वैकेंसीज हैं। नो डाउट हमें ऐसा लगता है ये वैकेंसी आगे जाकर बढ़ने वाली है, बट वो बात की बात है, फिलहाल आपके पास है 7500 वैकेंसीज। नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, तो मैंने आपको यहां एज लिमिट के बारे में बताया कि फॉर्म भरने के लिए आपकी एज क्या होनी चाहिए। तो फॉर्म भरने के लिए आपकी जो एज है फॉर द पोस्ट ऑफ विच एज लिमिट इज 18 to 27। देखो यहां पर अगर हम बात करें तो 18 to 27 ईयर, क्लियर। कुछ पोस्ट हैं जिनकी जो एज है वो 20 to 30 ईयर, कुछ पोस्ट हैं जिनकी एज है 18 to 30 ईयर, और कुछ है 18 to 32 ईयर। ये अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग आपकी एजेस हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग डिस्कस करते हैं कि आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है। भाई फॉर्म तो भर दें, लेकिन हम क्वालिफाई हैं या नहीं है ये भी तो हमें जानना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कुछ लोग इस वीडियो को जब देख रहे हो तो वो फर्स्ट ईयर वाले हों, कुछ 12वीं पास वाले हों। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में अगर मैं बात करता हूं, तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अंदर आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, लेकिन कुछ अलग अलग सिनेरियोज है वो मैं आपको क्लियर करता हूं। अगर आप असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर के बारे में बात कर रहे हैं या असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर के बारे में बात कर रहे हैं, तो आपका ग्रेजुएशन तो होना चाहिए, लेकिन उसके अंदर आपको थोड़ा सा मैनेजमेंट, अकाउंट, चार्टर्ड अकाउंट, इन सब की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, दूसरी वैकेंसी के बारे में अगर हम बात करें, तो सेकंड वैकेंसी है जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर। इसके अंदर आपकी जो डिग्री है वो रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, ठीक है, विद 60 मार्क्स इन मैथमेटिक्स, ठीक है, एट 12th स्टैंडर्ड। 12वीं में आपकी मैथ्स में कितने मार्क्स होने चाहिए? 60% मार्क्स होने चाहिए। और उसके बाद बैचलर डिग्री एनी सब्जेक्ट विद स्टैटिस्टिक्स, ये इंपॉर्टेंट है आपकी बैचलर डिग्री में, मतलब ग्रेजुएशन की डिग्री में। नेक्स्ट पॉइंट पर अगर हम बात करें, तो स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड सेकंड, इसके अंदर भी आपको स्टैटिक्स की नॉलेज होनी चाहिए, क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट पर हम बात करते हैं कि रिसर्च असिस्टेंट इन नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, तो इसके अंदर आपका जो है वो मिनिमम 1 ईयर रिसर्च एक्सपीरियंस होना चाहिए, 1 ईयर का मिनिमम रिसर्च एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब ये है भैया हम सब लोगों के लिए,
बाकी जितनी भी पोस्ट बच गई उन सब के लिए सिर्फ और सिर्फ क्या होनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ बैचलर डिग्री होनी चाहिए। बैचलर डिग्री का मतलब क्या है, सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए और कुछ नहीं। कितना परसेंट क्या कुछ ये कोई यहां प्रॉब्लम नहीं है बाकी सारी पोस्ट के लिए। तो हम सब लोग ये सारी पोस्ट फिल कर सकते हैं, यहां पर सिर्फ और सिर्फ आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं कि भैया फॉर्म भरेंगे तो पैसे कितने लगेंगे, एप्लीकेशन फीस क्या है। तो अगर मैं बात करूं मेल पर्सन के लिए तो एप्लीकेशन फीस है 100 रुपए, और यदि मैं बात करूं फीमेल के लिए तो फीमेल के लिए जो फॉर्म है वो एकदम फ्री है, ठीक है, एकदम फ्री। फीमेल के लिए कोई भी चार्जेस नहीं है, और बाकी कुछ अदर चीजें और हैं जैसे पीडब्ल्यूडी वाले एससी एसटी उनके भी कोई चार्जेस नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि पैटर्न क्या है एग्जामिनेशन का, सबसे इंपॉर्टेंट ये रीजन क्या है। कुछ सालों पहले एसएससी सीजीएल का पैटर्न कुछ डिफरेंट होता था, और अभी एसएससी सीजीएल का पैटर्न कुछ डिफरेंट है। क्या है डिफरेंट के अंदर, टायर वन और टायर टू स्टेज के अंदर आपका पेपर होगा। टायर वन में कौन कौन सी सब्जेक्ट आने वाली है तो मैंने आपको सामने शो किया है। टायर वन के अंदर सबसे पहली जो सब्जेक्ट है वह जनरल इंटेलिजेंस, जिसे हम कहते हैं रीजनिंग। नेक्स्ट जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश, सारे के सारे 25-25 क्वेश्चन आएंगे और 50-50 मार्क के होंगे। इस तरीके से 200 मार्क का आपका पेपर होगा और एक घंटा आपको मिलेगा। अगर आपने प्री क्लियर किया तो आपको मेंस देने को मिलेगा, मतलब टायर टू। टायर टू के अंदर पहले सिर्फ और सिर्फ मैथ्स और इंग्लिश आया करता था, बट अब पैटर्न चेंज हो गया, मैथ भी आएगा, रीजनिंग भी आएगा, इंग्लिश भी आएगा, जनरल अवेयरनेस, और लास्ट में है कंप्यूटर की नॉलेज, और लास्ट में है वन डेटा एंट्री टास्क, मतलब टाइपिंग टेस्ट। क्या है, टाइपिंग टेस्ट। तो यहां पे आपको दिखाई दे रहे 30 क्वेश्चंस होंगे 90 मार्क के, 30 क्वेश्चन 90, इंग्लिश 45 क्वेश्चन 135 मार्क के, और जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन 75 मार्क के। कितना टाइम मिलेगा, 2 घंटे मिलने वाला है। कंप्यूटर के 20 क्वेश्चन होंगे 60 मार्क के, 15 मिनट में करने हैं, और स्पीड जो आपका टाइपिंग टेस्ट होगा वो कितने मिनट का होगा, 15 मिनट का होने वाला है। यदि किसी ने स्टेटिक्स के लिए भरा है तो उसका अलग से एक पेपर होगा जो आपको सामने दिखाई दे रहा है। तो ये सारी डिटेल्स हमने आपको प्रोवाइड की। मैं फिर से एक बार आपको बता देता हूं कि एग्जाम के फॉर्म भरे कब जा रहे हैं। तो आपको यहां सामने दिखाई दे रहा होगा एग्जाम के फॉर्म जो है वो कल से स्टार्ट हो चुके हैं। तो इंतजार किस बात का है, जाइए फॉर्म भरिए एसएससी सीजीएल का, और तैयारी के बारे में सोचिए, क्योंकि बिना तैयारी के एग्जाम निकालना पॉसिबल नहीं है। एग्जाम साला तैयारी के लिए आपके साथ है। एग्जाम साला अपने सारे सेंटर जैसे कि सूरत, जैसे कि वडोदरा और जैसे कि अहमदाबाद, इन सभी सेंटरों पर एसएससी सीजीएल का एक स्पेशल बैच चलाने जा रही है। तो यदि आप उस बैच के बारे में जानना चाहते हैं तो सूरत के लिए 7574000 या 60 पर कॉल कीजिए, वडोदरा के लिए 7574000311 और 12 पर कॉल कीजिए, अहमदाबाद के लिए 7574000 और 380/90 पर कॉल कीजिए, और पूरी इंफॉर्मेशन जहां भी प्रॉब्लम हो वो आप कलेक्ट कर सकते हैं, और नए बैचेस को ज्वाइन कीजिए जिससे आपका सिलेक्शन हो जाए पक्का। बहुत सारे सिलेक्शन एग्जाम साला से हुए हैं तो क्या उन लिस्ट में आपका नाम भी हो। तो आप सबका तहे दिल से धन्यवाद। कोई भी अगर इन्फॉर्मेशन आपको और ज़्यादा चाहिए तो इन नंबर्स पर कॉल करके ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।